ब्रेकिंग न्यूज, आज जनपद उन्नाव मियागंज में हो रही वोटिंग के दौरान कवरेज कर रहे नेशनल चैनल के पत्रकार कृष्ण तिवारी को सीडीओ दिव्यांशु पटेल और कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से मारा पीटा। पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर मारने को देख गंगा घाट पत्रकार, उन्नाव पत्रकार आदि सभी पत्रकारों ने अपनी कोतवाली थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पत्रकारों का मुख्य उद्देश्य है कि सीडीओ और कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सस्पेंड भी किया जाए। क्या अब भारत के चौथे स्तंभ को भी खतरा है? जनपद उन्नाव से ऑल इंडिया न्यूज के साथ जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट। एक पत्रकार जो जनता की आंख व कान होता है, आज उसी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा। क्या योगी सरकार में पत्रकार पर ऐसे ही हमला होता रहेगा? यही मांग करेगा, सीधी बात समझ लो, कोई नहीं जाएगा। क्या हुआ है आपके संग? हम नवाबगंज ब्लॉक में कवरेज करने के लिए आए थे। मतदान को लेकर ये सूचना मिली कि पीछे कुछ लोगों के साथ आपसी मारपीट करी जा रही है। वहाँ कवरेज करने गए थे तो वहाँ बच्चों से बात कर रहे थे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था। कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट, कुछ लोग मारपीट रहे थे। फिर उस लड़के भागने लगे, तब तक सामने से दो गाड़ियाँ आई, स्कॉर्पियो थी। उनमें से एक गाड़ी उन लोगों की बाइक को चलाने का प्रयास किया, जब लोग गाड़ी नहीं साइड कर पाए तो सब लोग उतरे और हम मारने पीटने लगे। दो मेरे दोनों मोबाइल मौके तोड़ दिए।